वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था ना, 1825 1825 में 4 सितंबर में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था ना, 1917 जून 30 में दादा भाई नौरोजी का मृत्यु हुआ था। याद रखे, पॉलिटिकल पार्टी लिबरल, दादा भाई नौरोजी जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी के थे, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी जो इंग्लैंड के एक पॉलिटिकल पार्टी है, को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दादा भाई नौरोजी भारतीय जातीय कांग्रेस का को फाउंडर मीन्स सह प्रतिष्ठाता थे, ये भी याद रखिए। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी, इंडियन नेशनल भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्ष दो बार रह चुके हैं, 1886 में थे और 1906 में थे। दो बार दादा भाई नौरोजी भारतीय जातीय कांग्रेस के अध्यक्षता थे। 1886 में ये सेकेंड प्रेसिडेंट था। पहली प्रेसिडेंट कौन था ना, उमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस था, और सेकेंड था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, नोन आज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और ग्लैडस्टोन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद याद रखिए, फर्स्ट इंडियन डिमांड स्वराज कोलकाता से जो 1906 में जब दादा भाई नौरोजी जातीय कांग्रेस का अध्यक्षता करते थे कोलकाता सेशन में, इस 1906 में कोलकाता अधिवेशन ने दादा भाई नौरोजी पूर्ण स्वराज का दावी किया था। भारत को पूर्ण स्वराज चाहिए, ब्रिटिश अधीनता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन ऑन लिबरल पार्टी टिकट, दादा भाई नौरोजी पहली व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स को लिबरल पार्टी टिकट से जीता था। मींस हाउस ऑफ कॉमन्स मींस ब्रिटिश संसद को पहली भारतीय रूपे दादा भाई नौरोजी निर्वाचित हुए थे। केवल भारतीय नहीं, फर्स्ट एशियन भी ये थे। एशिया का पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद को निर्वाचित हुए थे, फर्स्ट एशियन एमपी। आप ये भी कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन एमपी भी थे, कौन ना, दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट को निर्वाचित हुए थे। ही राइटन ए बुक ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी ही राइटन ए बुक पॉवर्टी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने रचना किया था। ये भी याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ही गेव ड्रेन थ्योरी, इसके बाद दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी भी दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज फर्स्ट पर्सन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इंडिया, भारत का पहले व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी जो भारतीय जातीय आय के बारे में बताया था, कौन ना, दादा भाई नौरोजी प्रथम प्रश्न थे, व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट, इंक्लूडेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बड़ौदा, इसके बाद दादा भाई नौरोजी इस समय बड़ौदा का प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त हुए थे, कब ना, 1874 में। इसके बाद मुंबई प्रेसिडेंसी में भी दादा भाई नौरोजी इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, नौरोजी अवार्ड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश एंड इंडिया, ब्रिटिश इंग्लैंड एवं भारत के बीच अच्छे संबंध के लिए नौरोजी अवार्ड प्रचलित किया है, दादा भाई नौरोजी के नाम से नौरोजी अवार्ड, कौन ना, इंग्लैंड गवर्नमेंट। ये भी याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दो लंडन इंडियन सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी ही स्थापन किया था। इसके बाद द जोरास्ट्रियन ट्रस्ट फाउंड इन यूरोप, जोरास्ट्रियन ट्रस्ट भी यूरोप में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1861 में स्थापन किया गया था। धन्यवाद फ्रेंड्स, इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सकता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।